नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन रिंग के बारे में। न्यूटन वल्ले क्या होती है, ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है। इसका एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था परावर्तित किरणों में अदीप्त और प्रदीप्त वल्लों का व्यास कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे पारगमित किरणों में अदीप्त और प्रदीप्त वल्लों का व्यास कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक का एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, दूसरा पार्ट हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है वो जनरल बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 7 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 7। अब ये जो मैं लेक्चर नंबर बता रहा हूँ, यूनिट नंबर बता रहा हूँ, ये एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए है। बाकी यूनिवर्सिटियों के जो विद्यार्थी हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो पारगमित प्रकाश में न्यूटन वल्लय किस प्रकार से निकाली जाती है, न्यूटन रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम देखिए आप, पहले जो हमने परावर्तित किरणों में पढ़ा था उसके अंदर लाइट जो है वो इस तरीके से हमने दिखाई थी, ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसमें हमने पथांतर निकाला, फिर हमने उसकी सहायता से व्यास की गणना की थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो किरणें इन लेंसों से ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, पारगमित हो जाती हैं, उनमें पथांतर किस प्रकार से आएगा और इनमें जो न्यूटन रिंग्स बनेंगी उनका व्यास किस प्रकार से होगा। तो ये जो टॉपिक है वो आपका डिपेंड करता है फानाकार पतली फिल्म पे व्यतिकरण जो होता है, वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं वो सभी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और उनको अच्छे से पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब वर्तीय फानाकार वायु फिल्म पर किरण एस ए आपतित होती है, यहाँ पर देख सकते हो ये एस ए किरण है, यहाँ पर ये किरण एस ए है, तो इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसका जो शेष भाग होगा, बचेगा जो पार्ट ए बी दिशा में, वो आपका पारगमित हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो आपको टी वन और टी टू दो प्रकार की किरणें मिलेंगी जो पारगमित किरणें होती हैं, और इनमें पथांतर क्या होगा, डेल्टा बराबर 2 म्यू टी होगा, इक्वेशन नंबर होगी ए। ये पथांतर 2 म्यू टी कहाँ से आया, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। ये पूरा पथांतर 2 म्यू टी कोस थीटा होता है, थीटा को हम फान कोण अति अल्प मानते हैं, और आप फानाकार फिल्म वाला टॉपिक भी देख सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन लेके चलेंगे, अदीप्त वल्लों का व्यास और प्रदीप्त वल्लों का व्यास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अदीप्त वल्लों का व्यास क्या होता है। यदि फिल्म की मोटाई टी एन है तो किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है, क्योंकि अदीप्त जो है डार्क फ्रिंज है वो विनाशी व्यतिकरण का परिणाम होती हैं। तो आपको अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देंगी जिनमें पथांतर क्या होगा, ये कंडीशन है विनाशी की, डेल्टा बराबर एन प्लस वन बाय टू लैमडा, इक्वेशन नंबर होगी बी। अब इक्वेशन नंबर ए के अंदर आप देख सकते हो ये भी पथांतर है डेल्टा के बराबर है, और इक्वेशन बी के अंदर भी पथांतर डेल्टा के बराबर है। तो इक्वेशन ए और बी से हम आपस में इनको इक्वल रखेंगे तो आएगा 2 म्यू टी एन इक्वल्स एन प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, यहाँ से टी एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, लैम्डा अपॉन 2 म्यू एन प्लस 1 बाय 2, और इक्वेशन नंबर बन जाएगी 10। अब ये इक्वेशन नंबर 10 मैंने कैसे बनाई, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इक्वेशन 9 तक पढ़ चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या चैनल में आप वीडियो को स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। समीकरण 7 से इक्वेशन नंबर 7 जो है, जो इसके फर्स्ट पार्ट में थी, वो इक्वेशन 7 थी ये, डी एन इक्वल्स अंडर रूट 8 आर टी एन, तो यहाँ से ये टी एन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो हमारे पास डी एन इक्वल्स क्या आएगा, अंडर रूट 8 आर एन प्लस 1 बाय 2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 2 एन प्लस 1 बाय 2 बनेगा, इस 2 से ये 8 कट जाएगा तो 4 आएगा, और इस 2 से ये दोबारा से कटेगा तो 2 यहाँ पर रह जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन 11 आ जाएंगी, डी एन इक्वल्स अंडर रूट 2 एन प्लस 1 आर लैम्डा अपॉन म्यू। अब ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 11, ये आपकी अदीप्त वल्लों के व्यास की इक्वेशन आती है। अब हम निकालते हैं प्रदीप्त वल्लों का व्यास यानी डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो प्रदीप्त वल्लों के लिए तो संपोषी व्यतिकरण होता है और उसके लिए पथांतर होगा एन लैम्डा, तो उसी तरीके से डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 म्यू टी एन इक्वल्स एन लैम्डा हो जाएगा अब, और यहाँ से टी एन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और ये वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर 7 में पुट करनी है, तो डी एन इक्वल्स आएगा अंडर रूट 8 आर एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और यहाँ से
इस 2 से ये 8 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, तो डी एन इक्वल्स अंडर रूट 4 एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, और इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2 बाहर लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर आ जाएंगी 13। अब जो इक्वेशन नंबर 8 और 9 थी, 8 और 9 का मतलब है जो फर्स्ट पार्ट में हमने परावर्तित प्रकाश के लिए निकाली थी, इसमें इक्वेशन नंबर 8 और 9 उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 8 है अदीप्त वलयों के लिए जो कि फर्स्ट पार्ट में है, इसके डी एन इक्वल्स उसकी वैल्यू थी 2 अंडर रूट एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, और इक्वेशन नंबर जो 9 थी वो थी प्रदीप्त वलयों के लिए डी एन इक्वल्स अंडर रूट 2 एन प्लस 1 आर लैम्डा अपॉन म्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 8 और 9 नंबर इक्वेशन थी। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं परावर्तित प्रकाश में जो वैल्यू अदीप्त वलयों के लिए आती है वो वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पारगमित प्रकाश में प्रदीप्त वलयों की जो वैल्यू आ रही हैं वो आ रही हैं आपके पास 2 अंडर रूट एन लैम्डा आर अपॉन म्यू, और ये सेम वैल्यू परावर्तित प्रकाश में अदीप्त के लिए आ रही थी। इसी प्रकार से प्रदीप्त वलयों के लिए परावर्तित प्रकाश में जो वैल्यू आती है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं अदीप्त वलयों के लिए आती है पारगमित प्रकाश में, यानी कि जो रिजल्ट हैं वो परावर्तित और पारगमित में पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए आप एक रिजल्ट निकालते हैं कि परावर्तित और पारगमित प्रकाश के व्यतिगण प्रतिरूप पूरक होते हैं, यानी जो व्यतिगण प्रतिरूप परावर्तित में मिलेंगे वो पूरक होंगे पारगमित वाले के, और जो पारगमित में मिलेंगे वो पूरक होंगे परावर्तित वाले के। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूटन वलय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग। उसके अंदर दो मुख्य रूप से एप्लीकेशन आएंगी, एक है प्रकाश की वेवलेंथ फाइंड करना और दूसरा है किसी पारदर्शी द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एग्जाम में जरूर आती हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।